वेलकम टू अनसोल्व मिस्ट्रीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर एक्सप्लेन करेंगे 1974 में आई द टेक्सास चेंसो मैसेज को। वेल, इस मूवी को मैंने हाल ही में देखी और इस मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छी और डिफरेंट लगी। अगर अब हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इस मूवी की रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 ऑन रोटेन टोमेटो पेट्स इंटरेस्टिंग 88% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 75 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों, आप सभी इस मूवी की रेटिंग से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की ये एक्सप्लेनेशन कितनी जबरदस्त होने वाली है। अब इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले, अगर आप सभी को इस मूवी को देखने के लिए इसकी लिंक चाहिए देन आप सभी को मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस मूवी से जुड़ी एक बात बताना चाहूंगा कि जो घटनाएं हमको इस मूवी में दिखाई गई हैं वो अमेरिका के सेट टेक्सास में हुई थी, जो कि सन 1970 में दर्शाई गई थी, और उन्हीं इंसिडेंट्स को हमको इस मूवी में दिखाया गया है जो उस दौर में बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी, और उसी इंसिडेंट्स को एडमायर करते हुए इस मूवी को बनाया गया है। सो नाउ विदाउट फर्दर एनी ड्यू चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टार्टिंग में हमको कुछ 5 टीनेजर्स को दिखाते हैं, जिसमें सेली और उसका भाई फ्रैंकलिन अपने ग्रैंडफादर के घर ऑल हार्वेस्टेड टाउन में जा रहे होते हैं। बट अब थोड़ी दूर चलते ही पैम को उसी रास्ते पर एक हिचहाइकर दिखता है। तो अब सेली, क्रिक, जेरी, पैम और फ्रैंकलिन ये सभी डिसाइड कर उस आदमी को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब जैसे ही ये सब मिलकर उस आदमी को अपने वैन के अंदर बिठाते ही हैं, तभी वो हिचहाइकर फ्रैंकलिन के हाथ से उसका नाइफ लेकर अपना हाथ काट लेता है। अब इस आदमी के इस क्रीपी इंसिडेंट को देखकर फ्रैंकलिन और उसके फ्रेंड्स वहाँ बैठे वो सभी काफी डर जाते हैं। अब दूसरी ओर वो हिचहाइकर अपना हाथ काटने के बाद अपना एक कैमरा निकालकर उन सभी की फोटो लेने लगता है, जिसमें वो सबसे पहले फ्रैंकलिन की फोटो लेता है। अब फ्रैंकलिन की फोटो लेने के बाद वो आदमी फ्रैंकलिन से जबरदस्ती उसकी खींची हुई फोटो के पैसे मांगता है, बट दूसरी ओर फ्रैंकलिन उस आदमी की खींची हुई फोटो के पैसे देने से मना कर देता है। तो अब इसी बात को लेकर यह कृपी आदमी उसी खींची हुई फोटो को वैन के अंदर ही उन सभी के सामने जला डालता है। तो अब उस फोटो को जलाने के बाद वो आदमी अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालते ही उसी मूवमेंट पर फ्रैंकलिन का हाथ काट देता है। तो अब इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट को रियलाइज करते हुए सेली और उसके सभी फ्रेंड्स उस कृपी आदमी को अपनी वैन से जबरदस्ती निकाल देते हैं। तो अब वैन से निकलने के बाद वो हिचहाइकर वैन के पीछे की ओर फ्रैंकलिन के खून से कुछ लिख देता है। And seriously, this guy was quite creepy at all. अब इस disturbing incident के बाद सैली और उसके friends एक gasoline station पर रुकते हैं अपनी वैन में गैस भरवाने के लिए। अब इसी बीच उस gasoline station का owner उधर ही इनके पास आ जाता है। तो अब फ्रैंकलिन उस owner को देख उससे और फ्रैंकलिन जाने के रास्ते के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसके grandfather का घर था। तो अब वो आदमी इस जगह के बारे में सुनते ही उन सभी को उस जगह पर जाने के लिए मना करता है। बट अब ये टीनेजर्स इस आदमी की इस बात को इग्नोर करते हुए फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अब जैसे ही ये सब फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर के ओल्ड हाउस पर पहुंचते ही हैं, तभी उसी मोमेंट पर ये सब एक चीज नोटिस करते हैं कि उस क्रीपी हिचहाइकर ने इनकी वैन से उतरते वक्त खून से कुछ लिख दिया था, और ये सभी इस बात को फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, और इस मोमेंट को इग्नोर करते हुए वो सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। अब घर में जाने के कुछ ही देर बाद पैम और क्रिक फ्रैंकलिन को कहकर घर की बाहर की ओर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। बट उसी मोमेंट पर उन दोनों को पास में ही एक घर नजर आता है, जिसमें उन दोनों को उस घर से जनरेटर के चलने की आवाज आती है। तो अब क्रिक उन घर के ओनर से कुछ गैसोलीन को उधार लेने के लिए उनके घर की तरफ जाता है,
बट अब काफी देर उस घर के बाहर खड़े होकर गेट खटकाने पर कोई भी उस घर से बाहर नहीं आ रहा था। बट अब इसी दौरान क्रिक फिर से वहाँ खड़ा होकर इस गेट को खटकाने की कोशिश करता ही है, तभी उसी दौरान वो गेट अपने आप ही खुल जाता है। तो अब इस स्ट्रेस मोमेंट को देखते हुए क्रिक जस्ट सामने बने एक रूम में जाने की कोशिश करता ही है, तभी उसी दौरान एक आदमी जिसने लेदर का मास्क पहना होता है वो वहाँ अचानक से आकर क्रिक के सर के ऊपर जोर से हथौड़ा मार कर उसको मार डालता है। एंड सीरियसली दिस सीन वाज क्वाइट हॉरिफाइंग इन द मूवी। अब दूसरी ओर घर की बाहर की तरफ पेन कर का उस घर से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसको आने में काफी टाइम लग चुका था जिसका कारण आप सभी जान चुके हैं। तो अब पैम क्रिक को ढूंढने के लिए वो भी उसी घर के अंदर की ओर चले जाती है, इन द होप कि क्रिक उसको घर के अंदर की ओर मिल जाएगा। बट पैम को क्रिक उस घर के अंदर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अब जैसे ही पैम उस घर से बाहर आने की कोशिश करती ही है, देन सडनली वही लेदर फेस वाला आदमी अचानक से उसी रूम से बाहर निकल जाता है और वो पैम को जाते देख उसको जबरदस्ती पकड़ कर उसको उसी रूम में ले जाकर एक हुक से टांग देता है। अब सीन ठीक यहाँ से चेंज होकर सेली जेरी और फ्रैंकलिन पर फोकस करता है, जिसमें ये तीनों मिलकर कर को पैम का फिर से आने का वेट करते हैं क्योंकि इनको आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो अब जेरी उन दोनों को ढूंढने के लिए फ्रैंकलिन और सेली के वहाँ से चले जाता है और अब जेरी कर को पैम को ढूंढते ढूंढते उसी लेदर फेस वाले आदमी के घर के पास में पहुँच जाता है। और अब जैसे ही जेरी उस घर के डोर के पास में पहुँचता ही है, तभी वो उधर एक चीज नोटिस करता है कि उधर उसको क्रिक की एक शर्ट देखने को मिलती है, जिसको देखते हुए जेरी वो भी उसी घर के अंदर चले जाता है। तो अब घर के अंदर आते ही जेरी को वहाँ रखे एक रेफ्रिजरेटर में से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तो अब उन आवाजों को सुनते ही जेरी जैसे ही उस रेफ्रिजरेटर को खोलता ही है, तो उसमें उसको पैम की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसको देखते ही जेरी यहाँ पर काफी डर जाता है। बट अब जैसे ही जेरी अपने आप को यहाँ पर संभालने की कोशिश करता ही, तभी उसी दौरान वही लेदर फेस वाला आदमी पीछे से आकर जेरी के सर पे भी उसी हथौड़े से मार कर उसको भी मार डालता है। अब सीन ठीक यहाँ से फिर से सेली और फ्रैंकलिन की तरफ फोकस करता है, जिसमें ये दोनों उन सभी का लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि अब जेरी को भी गए हुए काफी टाइम हो चुका था। तो अब इसी मूवमेंट को देखते हुए सेली और फ्रैंकलिन भी उन सभी को ढूंढने के लिए फाइनली चले जाते हैं। बट अब थोड़ी दूर निकलते ही फ्रैंकलिन वहाँ जंगल में एक चीज नोटिस करता है कि कोई चुपके से उनका पीछा कर रहा होता है और वो इस इंसिडेंट के बारे में सेली को बताने जाता ही है। देन तभी उसी मोमेंट पर वही लेदर फेस वाला आदमी जो उनका पीछा कर रहा था वो वहाँ अचानक से आकर अपने चेंसों से फ्रैंकलिन के ऊपर बहरे में से अटैक कर देता है, जिसके कारण से फ्रैंकलिन ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। और सेली जो कि वहीं खड़े होकर इस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती ही है, तभी वो लेदर फेस वाला आदमी सेली को वहाँ से भागता देख वो उसको भी अपने चेंसों से मारने के लिए उसके पीछे चले जाता है। बस सेली यहाँ पर जैसे तैसे उस आदमी से अपनी जान बचाकर गलती से उसी आदमी के घर में चली जाती है जहाँ पर वो रहता था। बट ये आदमी सेली का पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ता और वो अपने ही घर का गेट तोड़कर सेली को मारने के लिए उसका पीछा करता है। और अब दूसरी तरफ सेली उस आदमी को अंदर आता देख डरते हुए घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाकर अपने जान बचाने के लिए वहाँ की खिड़की से छलांग लगा देती है, जिसके कारण से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तो अब खिड़की से कूदने के बाद सेली फिर से उस आदमी से बचने के लिए जंगल की ओर भागने लगती है, जहाँ पर वो आदमी अभी भी अपने चेंसों को लेकर सेली को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। बट दिस टाइम सेली उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए शहर के उसी गैसोलीन स्टेशन पर आ जाती है, और ये वही गैसोलीन स्टेशन था जिसमें सेली अपने बॉयफ्रेंड जेरी के साथ और अपने भाई फ्रैंकलिन के साथ यहाँ पर पहले आई थी। खैर अब जैसे ही सेली अपनी जान बचाने के लिए उस गैसोलीन स्टोर के अंदर घुसती है, तभी उस स्टोर का ओनर सेली की ऐसी हालत को देखकर काफी चौंक जाता है। तो अब वो आदमी सेली की जान बचाने के बजाय उसको वहाँ रखी एक स्टिक से मारकर उसको बेहोश कर देता है और वो सेली के हाथ पांव को बांधकर उसको अपनी वैन के अंदर रख देता है। तो अब वो आदमी सेली को अपनी कार में ले जाकर उसको फिर से उसी लेदर फेस वाले आदमी के घर पर ले आता है। और यहाँ पर हमको वही क्रीपी हिचहाइकर देखने को मिलता है जिसको हम सभी ने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तो अब ये दोनों ही मिलकर फिर से सेली को उस घर के अंदर लेकर आ जाते हैं और उसको चेयर से बांध देते हैं। अब सेली इस इंसिडेंट को देखकर इतना ज्यादा डर जाती है और वो उधर ही बेहोश हो जाती है। तो अब फिर से होश में आने के बाद सेली को यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है कि वो उन सभी के साथ यहाँ पर एक डिनर टेबल पर बैठी हुई थी। और अब इसी बीच हमको यहाँ पर एक और अजीब इंसिडेंट देखने को मिलता है कि सेली के जस्ट सामने उसी लेदर फेस वाले आदमी का फादर बैठा हुआ था, जो कि काइंड ऑफ काफी ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अब इसी दौरान वो अपने बेटे यानी कि उसी लेदर फेस वाले आदमी को सेली को उसी डिनर टेबल पर मारने के लिए कहता है।
एंड सीरियसली दोस्तों, ये सीन इस मूवी में इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है जिसको आप फील करना नहीं चाहोगे। खैर, अब इसी बीच वही क्रिपी हिचहाइकर सेली की उस चेयर से हाथ पैर खोलकर अपने मरे हुए ग्रैंडफादर के सामने उसको लेकर आता है उसको उनके सामने मारने के लिए। बट यहाँ पर सेली जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ पर एक खिड़की को तोड़कर उस घर से निकल जाती है। बट अब यहाँ पर फिर से वही लेदर फेस वाला आदमी अपने चैंसों को लेकर और उसका क्रिपी भाई वो फिर से उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। बट अब सेली यहाँ पर उनसे अपनी जान बचाते बचाते सड़क के किनारे पर आ जाती है जहाँ पर एक ट्रक फुल स्पीड से गलती से उसी क्रिपी आदमी को कुचल डालता है जिसके कारण से वो आदमी उसी मोमेंट पर मर जाता है। तो अब यहाँ पर सेली अपने जान बचाने के लिए उसी ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगती है। बट अब जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर सेली की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता ही है देन तभी वो लेदर फेस वाला आदमी अपने चिंसों को लेकर उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए आता है। देन अब उसी मोमेंट पर वो ट्रक ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए उस लेदर फेस वाले आदमी के सर पर एक पत्थर मार देता है जिसके कारण से वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब इसी बीच उस सड़क पर एक कार आ रही होती है और यहाँ पर सेली उस लेदर फेस वाले आदमी से अपनी जान बचाने के लिए उस कार के पीछे बैठकर वहाँ से चली जाती है। और बस ये मूवी एक अजीब तरीके से यहाँ पर इसके दूसरे पार्ट के लिए शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते जिसमें हम इस मूवी की आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें मैं अपने इस चैनल पर ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज लेकर आता रहूंगा।